दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर। दोस्तों इस तरह की अपडेट हम आपको देते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले चलते हैं अपडेट की तरफ। 3 लाख पोस्ट कार्ड पहुंचे मोदी के पास, स्टॉक खत्म, 67 लाख आंदोलनकारी। और ये अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र के नागपुर से। अनऑर्गेनाइज पेंशनर्स की निवृत्त कर्मचारी 1995 समन्वयक समिति ने अपनी मांगों को लेकर देश भर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है। करीब 67 लाख पेंशनर ने 15 अगस्त के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम प्रधानमंत्री कार्यालय 152 साउथ ब्लॉक रायसीना हिल्स नई दिल्ली पिन कोड 110011 पर पोस्ट कार्ड भेजने का निर्णय लिया है। अब तक देश भर से करीब 3 लाख पोस्ट कार्ड भेजे जा चुके हैं। निवृत्त कर्मचारी 1995 समन्वयक समिति के राष्ट्रीय सचिव प्रकाश पाठक ने बताया कि 1 सितंबर 2014 के बाद से सरकार ने 1.16 अंशदान देना बंद कर दिया है, जो गलत है। वहीं 15,000 से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों का अंशदान भी नहीं लिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार हमें पेंशन देना चाहिए। एक बड़ी समस्या और यह कर दी गई है कि ट्रस्ट के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अंशदान जमा करने पर पेंशन नहीं देने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का हम लगातार विरोध कर रहे हैं। देश भर से पेंशनर्स पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं। अब तक 3 लाख पोस्ट कार्ड भेजे जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कुछ जगह पोस्ट कार्ड खत्म हो गए हैं, जिस वजह से अंतरदेशीय पत्र और लिफाफा भेजने का निर्णय लिया गया है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की मुख्य मांगों में कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट नंबर 147 की सिफारिशों को लागू करें। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार बिना भेदभाव के छूट प्राप्त और बिना छूट प्राप्त दोनों को अधिकतम पेंशन का लाभ दिया जाए। देश के करीब 67 लाख वरिष्ठ नागरिकों को भारतीय संविधान की कलम 21 के तहत सम्मानजनक जीने का अधिकार दिया जाए। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। यहाँ पर 3 लाख पोस्ट कार्ड पीएम ऑफिस भेजे जा चुके हैं। लगातार ईपीएस 95 पेंशनर्स अपनी मांगों को मनवाने के लिए कहीं धरने कर रहे हैं, कहीं आंदोलन कर रहे हैं, कहीं सभाएं कर रहे हैं, और अब पोस्ट कार्ड भेजने का भी सिलसिला जारी हो चुका है। और दोस्तों 21 अगस्त को हैदराबाद में सीबीटी की भी मीटिंग होने वाली है। बताया जा रहा है कि पेंशन को लेकर कोई बड़ा फैसला निकल कर आ सकता है। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं कोशिश करूंगा कि वो अपडेट सबसे पहले आपको दे सकूं। और दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए, आपको क्या लगता है, क्या सरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स को उनका हक देगी या फिर नहीं देगी? नीचे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की बेहतरीन अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए, और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।